क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा रह गया था. तो टुडे वी विल डिस्कस विद यू लास्ट क्वेश्चन, दैट इज पीक्यू एंड आरएस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर. दो मिरर हैं पीक्यू एंड आरएस. देखो, PQ and RS are two mirrors. ये दो मिरर्स हैं placed parallel to each other. Anil sir, please mute all the students. And give me the option to unmute me. Yes, these are the two mirrors and placed parallel to each other. An incident ray AB strike to the mirror PQ. Ek incident ray PQ jo hai, ye pehle mirror the PQ and RS. और एक इंसिडेंट रे जो है, यहां से एक रे जो है ए बी, वो पी क्यू को पहले स्ट्राइक करती है. एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ. और फिर ये जो रे है यहां से रिफ्लेक्ट होके अगेन आर एस पर स्ट्राइक करती है और एट द पॉइंट सी, यहां पर पॉइंट सी पर स्ट्राइक कर रही है, अगेन रिफ्लेक्ट बैक और फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती. ओके तो आपको क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में? यू हैव टू प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि ए बी जो है, व्हाट यू हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन, यू हैव टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी. ओके तो हम किस तरह से प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो. हमारे पास यहां से पहले हम दो परपेंडिकुलर मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिए, बी ई और सी एफ. ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स, ड्रॉ परपेंडिकुलर बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू and CF perpendicular to RS. दो perpendiculars draw कर दिए हमने. तो इस perpendicular से हमें क्या मिलेगा, यहां पर मैं दो एंगल लिख रही हूं. यहां पर जैसे यहां पर मैंने A लिखा, यहां B लिखा, और यहां पर कुछ भी नेमिंग दे सकते हो. यहां पर ये मैंने X लिख दिया और यहां पर Y लिख दिया. ठीक है, अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. बी ई जो है दैट इज पैरेलल टू सी एफ ऑल्सो. पहले ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, तो ये आप ऑलरेडी यू विल नो, आपको ये पता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज प्लेस. यहां पर भी ये डिस्टेंस सेम है, यहां पर भी, ये एवरीवेयर इट इज सेम. तो अगर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो इट मीन्स दीज आर ऑल्सो पैरेलल. तो यहां पर लिखोगे BE is parallel to CF और which transversal intersected, BC transversal intersected. Transversal intersected. तो कौन से दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं यहां पर, एंगल B और X. ये कैसे एंगल हैं, एंगल B और X ये ऑल्टरनेट एंगल हैं, क्योंकि ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पर जो एंगल होते हैं दीज आर कॉल्ड द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके तो अब हम इस स्टेप से किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बता रही हूं. दोनों साइड मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय टू, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय टू. मैंने दोनों साइड दो से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल एंगल बी इक्वल टू डबल एंगल एक्स.
डबल एंगल बी को क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, एंगल बी प्लस एंगल बी, और डबल एंगल एक्स को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल एक्स प्लस एक्स। तो इसका हम यूज आगे कैसे करेंगे, ये जो एंगल ए और बी और एक्स और वाई, क्योंकि ये जो रे थी ये यहाँ पर स्ट्राइक करके अगेन रिफ्लेक्ट बैक होकर दोबारा से फिर रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी, है ना, यहाँ स्ट्राइक करके। तो इट मींस एंगल ए और बी ये कैसे एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू, यहां पर लिखो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो। सिमिलरली जो एंगल एक्स है वो किसके इक्वल है, वो भी वाई के इक्वल है, सेम रीजन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे, कैन वी पुट इन प्लेस ऑफ बी, क्या हम एंगल बी की जगह वी कैन पुट एंगल ए, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया एंगल ए। सिमिलरली क्या हम एक्स की जगह वाई पुट कर सकते हो, तो एक एक्स की जगह मैंने वाई पुट कर दिया, तो इसका क्या यूज आएगा, एंगल ए प्लस बी पूरा मिलकर क्या बना रहा है, कौन सा एंगल बना रहा है, दीज आर फॉर्मिंग एंगल ए बी सी, और एक्स प्लस वाई क्या मिलकर बना रहा है, एंगल बी सी डी। अब एंगल ए बी सी और बी सी डी, ये वाला एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, अगर ये दो लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल कौन सी साइड पर हो गए, आपके अपोजिट साइड पर हो गए। तो इफ दीज आर द अपोजिट एंगल, तो दे आर फॉर्मिंग द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इफ टू लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम, बीसी ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और दीज एंगल्स आर फॉर्मिंग द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देन यू कैन से दीज लाइन्स, ये जो ए बी और सी डी ये जो लाइन्स है, दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दीज आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये कैसे एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो इफ द टू लाइन्स intersecting by a transversal and the angle these are forming are the alternate interior angle, then you can say the lines are parallel to each other. ये converse हो जाता है कि अगर angle आपके चार condition satisfy करते हैं, या तो corresponding या alternate interior या alternate exterior या co-interior, तो अगर दो lines को एक transversal cut करे और इस तरह से एंगल कोई भी फॉर्म हो रहा हो, तो देन यू कैन से द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 का। नाउ आई टेक द सम ऑफ द थ्योरम्स एंड सम ऑफ द एडिशनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन मैं एक एडिशनल ले रही हूँ, यू विल नोट डाउन द स्टेटमेंट in your notebook along with me. Question note karo aap. In the given figure, what is the value of x? What is the value of x? आपको x की value find करनी है, अभी मैं figure बनाऊंगी। Will make EF parallel to CD. और next आपको दे रखा है if AB parallel to CD is given. और figure कौन सी है, पहले मैं figure बना रही हूँ, ध्यान से देखो इस figure को। आपके पास AB जो है,
वो यहाँ पर सीढ़ी के पैरेलल दे रखा है और हमारे पास what will make EF parallel to CD, यहाँ पर EF पॉइंट मैंने लिखा है, क्या चीज EF को पैरेलल बनाती है CD के, ये आप नोट कर लो, ये आपको रीजन भी देना है. एंड दिस एंगल इज गिवन यू 65 डिग्री एंड दिस इज 25 डिग्री एंड दिस एंगल इज X. You have to find the measure of this angle. So how you will find the measure of X? आप इस क्वेश्चन में X का मेजर क्या फाइंड करोगे? आपके पास only in this question you have given AB parallel to CD. AB CD के parallel है. तो अगर AB CD के parallel है, तो CD EF के भी parallel होगी. ये मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन बताए थे. तो then CD parallel to EF also, ठीक है. ये क्यों है? क्योंकि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, देन AB parallel to EF also. लेकिन हम किस तरह से इसको यूज करेंगे? देखो, अगर AB CD के पैरेलल है, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां पर एंगल वन इसे नेम दे देते हैं. तो 65 इक्वल टू ये इस पूरे एंगल के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. इसे हम क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो यहां पर लिखो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए ट्रांसवर्सल बी सी इंटरसेक्टेड. तो एंगल 65 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 25 प्लस एंगल 1. ओके, दीज आर द रीजन भी आपको लिखना है. दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. 25 लिखा है मैंने यहां पर. दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 1. तो ये आपका कितना आ जाएगा? 40 डिग्री. एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 40 डिग्री. लेकिन हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ x. हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए. तो अब CD पैरेलल टू EF, मैंने ये भी बताया था कि ये क्यों पैरेलल हो गया ये हमारा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और अगर ये भी इसके पैरेलल ड्रॉ है, देन दिस इज आल्सो पैरेलल टू सीडी आल्सो. तो अगर ईएफ सीडी के पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देन यू कैन से यहां पर लिखो सीडी पैरेलल टू ईएफ एंड ए ट्रांसवर्सल CE intersected. तो आपके दो एंगल्स कौन से फॉर्म हो रहे हैं? X और 1, X और एंगल 1 जो है, नहीं सॉरी, X प्लस एंगल 1 जो है, ये कैसे एंगल हैं? आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा. These are forming the co-interior angle. तो यहाँ पर रीजन भी लिखो. These are the co-interior angle. तो एंगल 1 आपका कितना फाइंड आउट हुआ था? 40 फाइंड आउट हुआ था. सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, यहां पर मैं लिख रही हूं, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 140 डिग्री. तो यहां पर हमें x की वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी. तो हमने किस तरह से फाइंड की? इस तरह के और भी हम क्वेश्चंस करते हैं. पहले इस क्वेश्चन में हमने कैसे फाइंड की थी? ये एंगल और ये पूरा एंगल, दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो फर्स्ट आई फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 1. तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई? 40 आ गई. देन दीज आर द को इंटीरियर एंगल. तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 1 की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी है एंगल 1 की, वो 40 आई थी. तो 180 में से 40 सब्ट्रैक्ट किया, इट इज इक्वल टू 140.
Now note down this question. आपके पास ये फिगर दे रखी है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. यहां पर ये एंगल दे रखा है आपको एक्स प्लस 3 डिग्री एंड द सेकेंड एंगल इज गिवन यू एक्स प्लस 20 डिग्री एंड द थर्ड एंगल यू हैव गिवन यू एक्स प्लस 7 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. इस क्वेश्चन में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी. तो हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस क्वेश्चन. यहां पर पहले आपको ये चेक करना है कि ये जो दो रेज हैं, यहां पर ये जो तीन एंगल बन रहे हैं, ये मिलकर एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं. तो यहां पर तीनों एंगल का जो सम हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 20, एक्स प्लस 7 इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या देंगे? सम ऑफ एंगल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, ऑन सेम स्ट्रेट लाइन. यहां पर एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर यहां पर क्या होगा 111. तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 3x, और 3 प्लस 20 23 प्लस 7 यहां पर आपका क्या आ जाएगा 30. तो इक्वल टू 180. 30 को इधर ट्रांसपोज कर दो और रीजन मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका रीजन क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन को कितनी भी रेस कैंसिल करती है तो उनसे जो एंगल फॉर्मेशन होती है उसका रीजन हम क्या देंगे? सम ऑफ एंगल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन. ये रीजन आपको हर क्वेश्चन में लिखने जरूरी है. तो नाउ इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो वैल्यू ऑफ एक्स आपका क्या आ जाएगा? 50 डिग्री. तो अगर आपको एंगल भी सेपरेटली फाइंड करने हो तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन एवरी पोर्शन. यहां पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो दिस एंगल इज 50 प्लस 3 53 एंड इफ यू पुट हियर एक्स की वैल्यू आपकी 50 आई है, 50 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 70 और अगर यहां भी पुट करते हो 50 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 57. तो ये तीनों एंगल का सम इफ यू एड दिस ऑल द थ्री एंगल्स their sum is equal to 180 degree. One more question I am taking now. ye figure aap draw karo. Is there any doubt रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन जो मैंने आज आपको बताए हैं? ये फिगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप ट्राई करके देखना इस क्वेश्चन को. ये फिगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस क्वेश्चन एंड दिस एंगल इज गिवन यू 105 डिग्री and this angle is given you 25 degree. How you will find the value of x in this question? Main aapko clue de deti hu and you will try to solve this question yourself. Aap is question ko try karna. Yahan par ek line draw kar dena EF, that is parallel to CD. और CD किसके पैरेलल है? AB के. देन यू कैन से AB इज आल्सो पैरेलल टू EF आल्सो. तो इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना कि ये क्वेश्चन का आप आंसर कैसे फाइंड आउट कर पाओगे. थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ. ये एंगल, अगर ये लाइन इसके भी पैरेलल हो गई, अगर ये लाइन इसके भी पैरेलल हो गई है, क्योंकि मैंने ये इसके पैरेलल ड्रॉ की थी और CD पैरेलल टू AB है, तो इट मींस हमारा ये और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है.
तो ये एंगल और ये पूरा एंगल, दीज आर द ऑल, ये को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर दे, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये आपने खुद सॉल्व करना है क्वेश्चन, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 130 डिग्री। नाउ स्टूडेंट, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो प्लीज आस्क फ्रॉम मी। और एक आपको इंफॉर्मेशन आई विल